हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर विच इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम ऑफ टू टाइप, बायोटिक एंड एबायोटिक इकोसिस्टम। इट इज वन इकोसिस्टम इज टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स आते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड, लैक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरीज वगैरह आती हैं। मैन मेड इकोसिस्टम वो होता है जो इंसानों द्वारा खुद बनाया जाता है, और उसमें क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एंड जू आते हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर में पॉन्ड, लैक, वेटलैंड एंड एस्चुरीज वगैरह आ जाती हैं। मरीन वाटर जैसे ओशंस वगैरह होते हैं, वो मरीन वाटर होते हैं। और नाउ हम जानेंगे स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में ट्रीज फर्स्ट लेवल पे आते हैं, फिर श्रब्स आते हैं, फिर हर्ब्स आते हैं जो छोटे ग्रासेस होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स कंपोनेंट इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन्स विच मेक दियर ओन फूड। नाउ कंज्यूमर, जो ऑटोट्रॉप के बनाए हुए खाने को खुद कंज्यूम करते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। तो कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट जू प्लैंक्टन्स विच कंज्यूम्स फूड। नाउ डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स आर द फंगाई एंड बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट इन एबोंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। दे कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक इंटू ऑर्गेनिक मटीरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन बाय ऑटोट्रॉप्स। तो वो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके। तो सोलर एनर्जी इज द कांस्टेंट इनपुट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम। सोलर एनर्जी वो होता है जो एक कांस्टेंट इनपुट होता है, और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इनपुट के लिए। तो प्राइमरी इकोसिस्टम क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाता है पर यूनिट ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्राइमरी इकोसिस्टम जो होता है ये टू टाइप के होते हैं, ग्रास प्राइमरी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहले तो मैं आपको प्रोडक्टिविटी क्या होता है यही बताती हूँ। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। अगर हम इसमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होता है जो सनलाइट से लेकर उसमें जो खाना बनाया जाता है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अगर हम उसमें से रेस्पिरेटरी रेट को माइनस कर दें तो उसमें जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहती है वो बच जाती है रेस्पिरेटरी रेट के माइनस करने के बाद। नाउ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नाउ अगर हम एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, इकोसिस्टम में 170 बिलियन टन्स होता है। और अगर हम ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो वो 70% होता है आउट ऑफ 100% इन द यूनिवर्स। अगर हम प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन की बात करें तो वो 55 बिलियन टन्स होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि वो 170 बिलियन टन्स है। नाउ अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं जस्ट बिकॉज अर्थवर्म मेक्स द सॉयल पोरस एंड फार्मर्स कैन डेफिनेटली गो फॉर एंड यूज इट एज अ डूइंग फॉर डूइंग फार्मिंग। तो नाउ डीकम्पोजिशन की बात करें तो डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक O2 H2O न्यूट्रिएंट कॉल्ड डीकम्पोजिशन। तो अगर डेट्रिटस की बात करें तो डेट्रिटस प्लांट रिमेन सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फिकल मैटर कॉल्ड डेट्रिटस। तो हम देख सकते हैं कि डेट्रिटस में जो बचे हुए डेड प्लांट के रिमेन्स, बार्क एंड लीव्स होते हैं वही डेट्रिटस होते हैं, और उसे हम वो बाद में अर्थवॉर्म या फिर अदर डीकम्पोजर्स के द्वारा डीकम्पोजिशन के लिए यूज होते हैं। नाउ व्हाट इज डेट्रिवोरस?
अर्थवर्म ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो डेट्रिवोर्स अर्थवर्म को कहा जाता है, ये स्मॉल पार्टिकल्स में डेट्रिटस को कन्वर्ट करते हैं जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एंड नाउ व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, तो हम देखेंगे कि बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड्स डेट्रिटस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमिफिकेशन किसे कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। तो वो जो डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है उसे ह्यूमस कहते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, केमिकल कम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके लिए क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, काइटिन और लाइगनिन का उसमें जो अमाउंट है वो ज्यादा होना चाहिए और उसका रेट जो है वो स्लो हो जाना चाहिए। अगर डेट्रिटस ज्यादा है किसी भी शुगर वाटर या सोल्यूबल सब्सटेंस में तो उसमें N2 का रेट फास्टर हो जाएगा। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन। नाउ सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। तो हम जानते हैं कि सन जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सारे इकोसिस्टम में, सिर्फ डीप सी हाइड्रोथर्मल में वो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता है। सोलर रेडिएशन जो होता है वो 50% होता है, लेस होता है, 50% से लेस होता है। नाउ व्हाट इज PAR, द फुल फॉर्म ऑफ PAR इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। प्लांट कैप्चर 2-10% ऑफ द PAR। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। मेजर इकोसिस्टम आर द हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स। नाउ व्हाट इज GFC, फुल फॉर्म ऑफ GFC इज अ ग्रेजिंग फूड चेन। नाउ हम देख सकते हैं फूड चेन किस तरह से फॉलो होता है, ग्रास जो कि एक प्रोड्यूसर होता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, अगर हम जब इस ग्रास को गोट खाएगी तो वो प्राइमरी कंज्यूमर बन जाएगी, और अगर गोट को कोई मैन खाता है तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। तो सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच क्रो इटसी ये ओमनीवोरस होते हैं क्योंकि ये ग्रासेस और फ्लैश दोनों खाते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड अस ओमनीवोरस। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिकल लेवल। नाउ हम बात करते हैं फाइटोप्लांक्टन्स, ग्रास और सी ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे जस्ट बिकॉज दे कैन बी ईटन बाय अदर एनिमल्स। तो जू प्लांक्टन्स, ग्रास हॉपर्स एंड काउ दे आर कॉल्ड एज अ सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर दे आर कॉल्ड बर्ड्स फिशेस एंड वुल्फ, दे आर कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर। नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोमास। नाउ व्हाट इज 10% लॉ, 10% लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिंडमैन लॉ एंड दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। नाउ कम टू द 3 टाइप ऑफ इकोसिस्टम पिरामिड्स। नाउ फर्स्ट कैन बी द पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड। नाउ पिरामिड ऑफ बायोमास ड्राई वेट एंड कैन बी अपराइट और इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो दे आर ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ CE इज इन्वर्टेड, तो हम पिरामिड ऑफ सी की बात करें तो वो इन्वर्टेड होता है। एंड नाउ व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चेंजेस लीड्स टू द लीड्स टू फाइनली टू कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पेसिस कम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। और हम बात करें व्हाट इज सिरे, इंटायर सीक्वेंस ऑफ अ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन द गिवन एरिया कॉल्ड सिरे। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन की अगर बात करें तो उसमें हम बेयर रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स और रिजर्वेयर्स आ जाएंगे। अगर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ लैंड जो कि बर्न्ड हो जाता है समटाइम्स बाय व्हेन द क्रॉप आर डिस्ट्रॉयड इन एरिया दैट वाज कॉल्ड द बर्न्ड फॉरेस्ट, तो उसमें ये सेकेंडरी सक्सेशन आ सकते हैं। जैसे भी कोई भी एरिया फ्लड की वजह से वो उसमें सीमित रहता है तो दैट टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। होप यू लाइक इट, थैंक यू।